जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर से होंगे। दोस्तों आपको ये मेरे हाथ जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे, जिस तरह से ये मतलब पेंशन कर रहे थे दोस्तों ऊपर, और सारे फान साहब आए हुए थे मेरे पास। तो इन्होंने जी इनको जो है ना वो पट्टी वाला कबूतरों को कलर शलर करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो इन्होंने किया। तो बाकी मौसम आपके सामने, मौसम ख़राब हो गया था, बारिश जो है ना हल्की हल्की आना स्टार्ट कर गई है। तो उसके लिए दोस्तों इन्होंने जो है ना ये एक कबूतर मैंने पकड़ा था उस दिन, बोल रहे थे कि यार आप जो है ना मुझे मतलब ये कबूतर जो है ना वो दे दें, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आपका दोस्तों जी मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपने तो मतलब रखा हुआ है ना हाई लो फ्लायर कबूतरों का शो पट्टी वालों का, आपने इसका क्या करना जी? ये कबूतर हमने ना अटक भेजना है अपने दोस्त को हाफिज वकास को, उधर हमारा जो है ना देसी कबूतरों का सील बहुत ज़्यादा शौक है, हाल कपों में जो बाजियाँ वो लगाई हुई हैं, तो ये कबूतर हमने अटक भेजना है अपना हाफिज साहब के पास। सही है, तो इंशाल्लाह जी साड़ी पूरी कोशिश जी 2023 दे विच सीजन दे विच जिन्ने भी बाजियाँ कप ने सारे कपों च असी शामिल हाँ, तो इंशाल्लाह जी मैच तगड़ा होएगा तो गज बज के होएगा इंशाल्लाह। जिन्हें भी कबूतरबाजी है साड़ी तकरीबन देसी कबूतर की इंशाल्लाह जी भी होगी इस तरह तुम बहावे ऐसे चैनल देते ही बावर पिजन क्लब से इंशाल्लाह सारी। तो दोस्तों बाकी ये कबूतर था मैंने पकड़ा था और आपने देखा था जिस तरह से ये मैंने रात रुक हुआ कबूतर पकड़ा, जितना मर्जी कबूतर अच्छा हो पहले मैं उसका मालिक देखता हूँ, ठीक है? कुछ चार दिन पाँच दिन मतलब जब तक वो जो है ना मेरे पास होता है, मैं तो मतलब अगर पढ़ा हो तो कई माह गुजर जाते हैं इसी तरह से, तो अगर कोई भाई बोलते कि यार मुझे चाहिए तो मैं फिर उसको जो है वो दे देता हूँ। हालांकि एक भाई हैं उन्होंने मुझे बोलना है कि यार आपको मैंने बोला था ये कबूतर नहीं किसी को देना। तो बाकी उस्ताद इरफान साहब से महाराज जी बहुत प्यार है, मतलब बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं, बाजियों का आपको पट्टी वालों का इनका शो करवाता रहता हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आते वक्त में आने वाला जो सीज़न मतलब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह पट्टी वालों का भी शो करवाएंगे। काफ़ी भाई जो है ना वो पूछ रहे थे मुझसे कि यार पट्टी वालों का भी जो है ना ज़रूर शौक हमें जो है ना वो करवाया करें उस्ताद इरफान साहब का। अच्छा तो जो भाई इनको जो है ना वो काले कर रहे हैं वो नंबर एक है जो है ना उसके बारे में बोल देते हैं कि नंबर जो है ना इनका वो बंद हो गया, ठीक है? दोस्त से वो कोल सिम सी तो सिम उन्होंने ना अपनी बंद करवा ली है, तो हूँ ना नंबर अभी जायज का चलाया जो ऑलरेडी साढ़े को चलता पे, नंबर है 0301-1418-777 तो टैलनॉर का वट्सअप का नंबर है 0342-1220-695 नंबर है साडा जनाब, तो जिहड़ा पहला नंबर से वो जनाब साडा बंद हो गया। वो बात दरअसल ये बनी थी वो किसी के नाम पे सिम थी तो ये जो है ना यूज़ कर रहे थे उसको, ठीक है? तो वो अब जो बंदे काले कर रहे हैं उनको आगे से वो अटेंड करते हैं काल, तो वहाँ पे जाके ना मसला खराब हो रहा है। तो इस वजह से उस्ताद साहब बोल रहे थे कि यार मेरा जो है ना नंबर अब मेन शेयर करें जो मेरे पास मतलब सिम जो है ना वो चल रही है। तो दोस्तों आगे बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा होने लग गई है, ठीक है? तो मैंने कबूतरों का शंक करते समय कबूतरों को कलर करते समय जो है ना वो ऊपर ही टाइम सारा गुजर गया, दाना शाना फिर डाला था हमने, तो खैर दाना अभी मैं उठा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों? तो कलर शलर वो जो किया हुआ है इंशाल्लाह वो ना एक दो दिन बाद फिर जो है ना वो रहता है वो करेंगे इंशाल्लाह। कबूतर ज़्यादा थे इस वजह से ना टाइम बहुत ज़्यादा आ जो है ना वो लग गया था कबूतरों को कलर करते समय, ठीक है दोस्तों? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।